फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ प्रेगनेंसी से जुड़े हुए वो मिथ्स जिनके वीडियोस लोग देख देख के पागल हुए जा रहे हैं और ये पता लगाने में जुटे हैं कि भाई हमको लड़का होगा या लड़की होगी। तो मैं एक बात शुरुआत में आपको बता दूं कि मैं आपको बताने वाली हूँ और आप खुद पता लगाइए कि आप क्या शुरू में पता लगा सकते हैं कि भाई आपको लड़का होगा या लड़की होगी। देखिए, सबसे पहले मिथ्स के बारे में हम बात करते हैं। लोग फूड क्रेविंग को लेकर बोलते हैं कि भाई आपको क्या खाना पसंद है, क्या खाना पसंद है, अच्छा खट्टा खा रही है ये होगा, अच्छा मीठा खा रही है ये होगा। कुछ नहीं है, आप भी ट्राई करके देख लीजिए, अगर आपको पता लग जाए तो मुझे भी कमेंट करके बता दीजिएगा कि नहीं भाई आपने तो कहा था फूड क्रेविंग से पता नहीं लगा सकते हैं, लेकिन हमने तो लगा लिया, तो लगा लीजिए भाई, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं कहूँगी कि फूड क्रेविंग से आप पता लगा नहीं सकते हैं। देखिए, दोनों में अंतर होता है। जो फर्स्ट टाइम की प्रेगनेंसी होती है वो अलग होती है, सेकंड टाइम की प्रेगनेंसी होती है वो अलग होती है। तो क्रेविंग कभी काम करती है और कभी काम नहीं करती है, ठीक है। वो कहीं कहीं काम कर भी जाती है। किसी ने कहा कि भाई मेरा बहुत खट्टा खाने का दिल कर रहा है तो जो है लड़की होगी, और कहीं दूसरा व्यक्ति कहता है कि मेरा बहुत खट्टा खाने का दिल किया था तो मेरे तो लड़की हुई थी, लड़का हुआ था, सॉरी। अब सेकंड बात करते हैं। कहा जाता है कि आपका अगर जो लेफ्ट ब्रीस्ट अगर हैवी होगा तो लड़की होगी और राइट ब्रीस्ट हैवी होगा तो लड़का होगा। एब्सोल्युटली रॉन्ग, कुछ नहीं है। तीसरा फैक्ट, अगर आपका हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा होता है, मतलब कि आपके सर के बाल बढ़ रहे हैं, आपके हाथ पैरों पे बाल आ रहे हैं, तो आपको लड़का होगा क्योंकि आपके अंदर मेल हार्मोन्स हैं। ये भी रॉन्ग। जिनका हेयर ग्रोथ होता है, जो मंथ मंथ जो है वैक्सीन करवाते हैं, वो करवाएंगे ही, प्रेगनेंसी का और उसका कोई कनेक्शन नहीं है। नेक्स्ट कि भाई अगर आप जो है राइट जो लेग है वो पहले उठाते हैं अगर हर चीज़ में, या आपका राइट हैंड ज़्यादा चलता है, तो आपके जो है लड़का होगा, और अगर आप लेफ्ट साइड ज़्यादा यूज़ करते हैं तो आपकी लड़की होगी। ये भी एकदम रॉन्ग है। और एक सबसे बड़ा फंडा कि बेकिंग सोडा में आपको जो है यूरिन डालना है, अगर उसमें झाग बबल्स आते हैं तो आपको लड़का होगा, और बबल्स नहीं आते हैं तो आपको लड़की होगी। ये भी एकदम रॉन्ग है, टोटली रॉन्ग। आप प्लीज़ मेरी बात समझिए, जिस चीज़ को मैंने रॉन्ग कर दिया उस चीज़ से आप पता नहीं लगा सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं लगा सकते हैं। तो प्लीज़ इन चीज़ों के पीछे मत भागना। मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप सच में जानना चाहते हैं, आपकी जिज्ञासा है, तो उन फैक्ट्स पे जाइए जो सच में ट्रू हैं, जो आपकी हेल्प कर सकते हैं। लेकिन उल्टी सीधी चीज़ों पे प्लीज़ बिलीव मत करिए, उससे आपको सिवाय धोखे के और कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। मैंने अपना लास्ट वीडियो बनाया था जेंडर प्रेडिक्शन को लेकर, आप उसको देख सकते हैं, मैं मानती हूँ। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं प्रेगनेंसी मिथ्स को लेकर। एक जो है कहा जाता है कि प्रेग्नेंट लेडीज़ की नींद को देखकर बताया जा सकता है। कोई अगर बहुत ज़्यादा किसी को नींद आती है ना, तो जो है उसको जो गर्ल होगी, और अगर किसी को नींद कम आती है तो उसके बॉय होगा। इस पे मैं बिलीव करती हूँ, 80% बिलीव मैं इस चीज़ पे करती हूँ, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ था। मुझे पूरी प्रेगनेंसी नींद नहीं आती थी, तो मेरे मदर इन लॉज बोलते थे कि भाई तुमको नींद नहीं आती है तो तुम्हारे 100% डेफिनेटली देख लेना लड़का ही होगा, लेकिन 10% वो भी श्योर नहीं थे कि भाई कुछ हो सकता है। तो इस चीज़ से आप फिर भी पता लगा सकते। अब एक और प्रेगनेंसी मिथ्स की बात करते हैं। पुराने समय में लोग क्या होते थे कि आटे की जो है लोई बनाकर और तेल में डाल दिया करते थे कि भाई अगर वो जो लोई है अगर वो कहीं से भी फट गई तो आपकी लड़की होगी, और अगर वो नहीं फटी तो लड़का होगा। तो बताइए इस चीज़ का और जेंडर का क्या कनेक्शन है, आप ही बता दीजिए मुझे, क्या है कोई कनेक्शन? नहीं ना। इसीलिए आप प्लीज़ इन सब चीज़ों में ना जाएं। ये दो चार फैक्ट मुझे लग रहे थे कि मैं आपको बता दूं कि आप प्लीज़ इन सब मेथड में मत जाना, बिल्कुल भी मत जाना। बहुत से लोगों ने वीडियो बना रखा है, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट दिखा रखी है, भी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में लिखा है कि आपके लड़का होगा या लड़की, यहाँ लिखा रहता है, यहाँ लिखा रहता है। कहाँ लिखा रहता है, जब इंडिया में टोटली बैन है, कोई भी अल्ट्रासाउंड करने वाला आपको नहीं मेंशन कर सकता है, तो कहाँ लिखा होता है, आप कैसे पता लगा सकते हैं? कितने सारे वीडियोस हैं बाय गॉड कि अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट देख के जाने, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट देख के जाने। इसका भी मैं आपको बता देती हूँ,
जैसे सपोज आपकी फ्रेंड है, उसके लड़का हुआ, उसकी आप अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट देखिए, उसका जो वेट, हार्ट बीट, उसकी जो बाकी जो टर्म्स होती हैं इसके अंदर सोनोग्राफी की रिपोर्ट्स के अंदर, वो आप देखिए और फिर आप अपनी से मैच कर लीजिएगा। तो उसकी अगर लमसम है तो आप फिर भी पता लगा सकते हो, लेकिन ये कहना कि भाई मतलब अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में लिखा है, नहीं लिखा होता। मैंने शायद जितनी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट पढ़ी है ना, उतनी तो शायद किसी ने नहीं पढ़ी। मैं सोनोग्राफी करा के आती और रिपोर्ट्स को लेके बैठ जाती, कुछ नहीं लगता था मेरा, कहीं नहीं लिखा होता है, क्योंकि मेरे अंदर भी बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी, मैं भी जानना चाहती थी। इसलिए नहीं कि मुझे, क्योंकि मेरे पास एक बेबी बॉय पहले से था, मुझे ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे बेबी बॉय का जो है कुछ है, लेकिन फिर भी मैं जो है पता लगाना चाहती थी। भाई मन करता है, माँ है हम, देखिए माँ के लिए सभी बच्चे समान होते हैं। वो जब भी कहेगी वो यही कहेगी, बच्चा बच्चा बच्चा, वो ये नहीं कहेगी लड़का, मेरा लड़का, मेरी लड़की, ये नहीं बोलेगी। जब तक बेबी मतलब पेट के अंदर है, माँ उसको बच्चा या बेबी ही कहेगी ना, ये तो सबके लिए सेम है ना। लेकिन माँ जानना चाहती है अपने एक्सपीरियंस को जो है। देखिए मैं क्यों जानना चाहती थी, मैं बताती हूँ आपको, मैं इसलिए जानना चाहती थी ताकि मैं बाद में लोगों को बता सकूँ कि हाँ देखिए मैंने जो है डेफिनेटली कहा था कि भाई ये होगा और ये देखिए यही हुआ। इसलिए मैं सिर्फ जानना चाहती थी। बहुत सारी मैथड मैंने यूज़ करी, इसीलिए मैंने सोचा कि आपके लिए भी ये वीडियो मैं जो है बना दूँ। तो आई होप कि आपको जो है आपके जो सवाल का जवाब जो है वो मिल गया होगा। कहीं नहीं लिखा होता है, बिल्कुल छांटने की कोशिश भी ना करें, ज़रूरत भी ना करें कि आपको सोनोग्राफी की रिपोर्ट में आपको ये लिखा मिलेगा कि यहाँ लड़का होगा या लड़की होगा, कहीं नहीं लिखा होता है, ठीक है। और भी कोई ऐसा फैक्ट नहीं है जो जेंडर प्रेडिक्शन को जो है कर सके, कोई ऐसा मेथड नहीं है। हाँ सिर्फ एक मात्र है कि अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में अगर अल्ट्रासाउंड करने वाला आपको बताता है कि भाई ये लड़का है या लड़की है या उसमें मेंशन करता है, तभी आप पता लगा सकते हैं। इसके अलावा कोई चीज़ नहीं है जिससे आप पता लगा सकते हैं। तो फ्रेंड मत देखिए फालतू की वीडियोस। अगर आपकी क्यूरियोसिटी है तो मैंने अब सोचा है कि मैं इसी टॉपिक पे अपनी जो है वीडियोस आगे की बनाऊंगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप जो है मैं इसके ऊपर बनाऊंगी कि आप किस चीज़ से पता लगा सकते हैं, ऐसी क्या चीज़ थी जिससे मैं 80% 90% श्योर थी कि भाई मेरे को बेबी बॉय होने वाला है, वो चीज़ भी मैं वीडियो नेक्स्ट जो है वो बनाने वाली हूँ, ठीक है। और एक और चीज़ मैं एक जो है एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगी। मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर जो है एक आप बाउल में चावल या पानी आपको रखना है अपनी छत पर, और आपको जो है अगर आपके घर में पहले जो है अगर उसको खाने के लिए अगर चिड़िया आती है तो आपको लड़की होगी, और अगर आपको चिड़ा आता है तो आपको लड़का होगा। यकीन मानिए मैं जब भी रखती थी ना, मेरे घर में दोनों एक साथ आते थे। और ये जो थ्योरी थी वो मैंने सबको बता रखी थी घर में। तो जैसे ही चिड़ा आता था हमारे घर में हल्ला मच जाता, चिड़ा आया है, चिड़ा आया है, चिड़ा आया है। मेरा बेटा भी इतना खुश होता था, चिड़ा आया है, चिड़ा आया है। और उसको जो है अगर चिड़िया आती थी तो चिड़िया आई है, चिड़िया आई है, चिड़िया आई है, मतलब घर में इतना हल्ला मच जाता था। तो और मेनली ये होता था कि दोनों एक साथ आते थे। जिन लोगों को ये थ्योरी पता थी वो तो ये बोलते थे कि यार होगा क्या, क्योंकि दोनों साथ आते हैं। तो ये भी फैक्ट नहीं था। तो आई होप आपको जो है पसंद आया होगा। मुझे लगा मुझे अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहिए। तो फ्रेंड आप किसी चीज़ से पता नहीं लगा सकते हो, जिस चीज़ से पता मैंने किया उस चीज़ से अगर आप पता लगाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं नेक्स्ट टाइम आपके लिए ऐसा अच्छा सा वीडियो बना सकूँ। ओके, थैंक यू, बाय।